हेलो फ्रेंड्स, सोप टीवी में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ताबीज़ लेके आया हूँ, जो कि दुश्मन की हलाकत के लिए है। अगर आपका कोई दुश्मन है, वो दुश्मन आपका जान माल का ख़तरा है, वो दुश्मन को आप कुछ नहीं कर सकते, तो मैं एक ताबीज़ लेके आया हूँ। वो ताबीज़ को आप केसर या ब्लैक कलर की स्याही से लिखेगा और लिखने के बाद कब्र में दफना दीजिएगा या फिर कब्र के पास रख के आ जाएगा। अब खुद मत कीजिएगा, किसी को दे दीजिएगा, वो जाके रख लेगा, क्योंकि आप अगर खुद जाएंगे तो ख़तरा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत बहुत सारे लोग हैं, इसलिए चलते चलते बताते जा रहा हूँ। इस ताबीज़ को लिखने के लिए आपको मंगलवार, शनिवार या फिर संडे को बनाना होगा। अकेले ही बनाना है, एक साफ़ सुथरा जगह ढूंढिएगा और आप भी साफ़ सुथरा होके नहा धो के बैठ जाएगा। बैठने के बाद एक कोरे कागज़ से, सफ़ेद कागज़ से, ब्लैक कलर का स्याही हो या फिर केसर का हो, केसर को पानी में मिलाकर उस ताबीज़ में, मैं जो ताबीज़ आखिर में सेंड कर दूंगा, वीडियो में एडिट कर दूंगा, उस ताबीज़ को लिख लीजिएगा। और उसके बाद उस ताबीज़ को लिखने के बाद किसी को दे दीजिएगा, उसको बोलिएगा कि जाके कब्रिस्तान में रख के आ जाए या फिर कब्र में दफना दे। तो फ्रेंड्स, तुरंत दफनाने के बाद आपकी ख्वाहिश कीजिएगा, लिखने के वक्त ख्वाहिश कीजिएगा कि वो दुश्मन आपका बीमार हो जाए या फिर उसका हाथ पैर टूट जाए या भी जो भी, तो वो गारंटी हो जाएगा। ये सोप टीवी का दावा है। मैं इसी तरह बहुत सारे बेहतरीन वीडियोज़ लाता रहूँगा। ध्यान रखिए, मंगलवार, शनिवार या फिर संडे को 12 से 3 बजे के अंदर साफ़ सुथरा होके, साफ कमरा और ब्लैक कलर स्याही या फिर केसर से ये ताबीज़ को बनाना है। और बनाने के बाद किसी को दे दीजिएगा, वो जाके, और बनाने के वक्त ख्वाहिश कीजिएगा, आपके मन ही मन ख्वाहिश कीजिएगा कि दुश्मन का ये हो जाए, दुश्मन हलाक हो जाए। और हाँ, बिना कारण के, बिना कोई छोटी मोटी दुश्मनी के ये जो प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि आपको या घर वालों को नुकसान हो सकता है। अगर आपका जान माल का खतरा हो तो ही इसको प्रयोग कीजिएगा। और मैं इस वीडियो में सारी बातें बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, आखिर में मैं आपको वो ताबीज़ वीडियो में एडिट कर देता हूँ, आप लोग देख के लिख लीजिएगा। वीडियो बनाने के लिए जगह नहीं है दोस्तों, इसीलिए इधर उधर बना रहा हूँ और थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा ये ख़तरनाक अमल के बारे में। बहुत ही ख़तरनाक अमल है, 100 बार, 1000 बार सोचिएगा, उसके बाद ही कीजिएगा। खास दुश्मन रिलेटेड ये ताबीज़ टोटका है, टोटका तो नहीं, ख़तरनाक अमल है, रूहानी अमल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो वीडियो को फिर से देखिएगा, फास्ट से लास्ट तक समझ आ जाएगी। धन्यवाद।